आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है दोस्तों, फिर गन वॉयलेंस हुई है। इससे पहले अमेरिका में इतनी भयानक गन वॉयलेंस हुई थी 2012 में, होती रहती है, अभी हमने बात की ही थी। लेकिन दोस्तों गन वॉयलेंस अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही है। मास शूटिंग में दोस्तों 21 लोगों की जान गई है, जिसमें 19 तो बच्चे हैं, छोटे छोटे सेकेंड थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाले। यहाँ पे इनका जो टेक्सास स्टेट है, जो कि मेक्सिको के 1 घंटे की दूरी पे है, आप आराम से जाएंगे वहाँ पे, उलवाड़े जो शहर है, स्कूल है, एक एलिमेंट्री स्कूल, मास शूटिंग की घटना सामने आई है। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के पास बंदूक, पहले उसने अपनी दादी को मारा, उसका इलाज चल रहा है, फिर वह स्कूल गया, हैंडगन थी उसके पास, खत्म किया उसने, चला दी गोलियां, 19 बच्चे मरे, 18 बच्चे मरे, बेसिकली 18 बच्चे स्कूल के मरे हैं ऑन द स्पॉट, कुछ घायल भी हैं, 2 टीचर्स मरी, तुरंत पुलिस आई, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की इस बच्चे ने, 18 साल का था, पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की, पुलिस भी घायल हुई, लेकिन ये बच्चा भी मर गया, खत्म, ठीक है बिल्कुल। तो ये हुआ है अमेरिका में मास शूटिंग। अब दोस्तों बात यही है कि ये कब तक चलेगा। इससे पहले जो इतनी बड़ी घटना हुई थी वो 10 साल पहले हुई थी 2012 में, रॉब एलिमेंट्री स्कूल है जो कि 80 किलोमीटर है वेस्ट सेंट एंटोनियो से, मैंने बताया ना मेक्सिको से 1 घंटे की दूरी पे है ये, टेक्सास स्टेट में ये आता है, वहां पे समझिए ये घटना हुई है। और उसके बाद जो ग्रेग एबॉट है यहां के गवर्नर, उन्होंने बोला है कि इसका नाम है सेल्वाडोर रामोस, जो कि यहीं पे ही पढ़ने वाला है, 10वीं कक्षा का छात्र है, पागल गया मार दिया। अमेरिका में आपको पता ही है कि वहां की जो राइफल एसोसिएशन है, ये जो बहुत बड़ी लॉबी है, कुछ भी अगर आप लॉ लेके आएंगे तो ये लाने नहीं देगी। जो बाइडेन इसके खिलाफ बोल रही है, अच्छा करे जो बाइडेन, फिर से उन्होंने बोला है कि पहली बात तो जो अमेरिका का झंडा है वो आधा झुका रहेगा, 28 में शोक यहां पे व्यक्त किया है। उसके बाद जो बाइडेन ने यह भी बोला कि ऐसा कब तक चलेगा, भगवान के नाम पे हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, भगवान के नाम पे अब क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त नहीं है, और अब हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। जो लॉबी है ये बहुत ही पावरफुल लॉबी है, ये जो गन लॉबी है ना, आप समझिए काफी कुछ कंट्रोल करती है, और अमेरिका में आप गन रख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत शानदार लेक्चर लिया, आई होप आपने देखा होगा, पूरा आधे घंटे का एनालिसिस है, देखिएगा भाई। 212 से ज्यादा शूटिंग्स की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, 61 लोग मारे जा चुके हैं, 2022 की बात है, ये 50% पिछले साल से ज्यादा है। 2020 में 20,000 होमिसाइड्स की घटना सामने आई थी, और अमेरिका में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो ब्लैक लोकेलिटीज हैं, अभी जैसे ग्रोसरी स्टोर में हुआ था वहां पे भी बहुत कॉमन है। तो समझिए अमेरिका में ये जो गन लॉज है इसको चेंज होने चाहिए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं यहां के लोग ही नहीं चाहते। अमेरिका में आप गन रख सकते हैं, आसानी से गन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो खैर इसको सपोर्ट करते थे, बल्कि वो तो कहते थे टीचर्स को भी बंदूक दे दो, उधर से स्टूडेंट चला गया, इधर से टीचर चलाएगा। तो जो बाइडेन ने भी काफी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और बोला कि ये जो है गलत है, इसमें मेन जो दिमाग है वो तो यही, ये जो पावरफुल लॉबी है ये इसको बदलना चाहिए ना, लॉज लाओ भैया, फ्लेक्सिबल बनाओ, हर किसी को बंदूक रखने का अधिकार नहीं दो, लेकिन यहां पे हर कोई हथियार रख सकता है। तो वही है कि ये अपनी गाड़ी से आया, गाड़ी छोड़ दी, क्लास में गया, खत्म कर दिया, और उन टोटल 22 लोग के करीब मरे। अब यही गवर्नर का कहना है, टेक्सन्स जो है अक्रॉस द स्टेट ये जो घटना हुई है, दे आर ग्रीविंग फॉर दिस सेंसलेस क्राइम, हम सबको बहुत ज्यादा दुख है। लेकिन क्या इतना बस बोल देने से चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं, अब वक्त आ गया कि अमेरिका इस पे कार्रवाई करे। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ये लेक्चर था, शेयर करिए इसको। और अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जो एनसीईआरटी का कोर्स है, लाइव कोर्स दोस्तों 1 जून से शुरू हो रहा है, तो ये लाइव कोर्स के लिए आपको एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करना, आपको 25% ऑफ मिलेगा। अभी इसी वक्त कोर्सेज को अवेल करें, कंबाइंड एनसीईआरटी खरीदे, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी प्राइस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।